वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है 16 मई 2023। आज के दिन राजस्थान जो खेल कूद के लिए जो आरक्षण होता है, यानी कौन कौन से गेम शामिल होते हैं या फिर कौन कौन से फेडरेशन से संबंधित है, उसमें छोटा सा एक संशोधन हुआ है। ज़्यादा बड़ा संशोधन तो नहीं है, लेकिन संशोधन हुआ है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो मैं आपको पुराना 2019 वाला भी मैं बताऊंगा अभी आपको। उससे पहले मैं जो 2023 में जो तीसरा संशोधन हो गया सेवा नियम में, कौन सा जो ये तीसरा संशोधन है अभी आज दिन तक जो 2017 से जो आरक्षण मिला है खिलाड़ियों को, कितना परसेंटेज, 2% जो आरक्षण मिला है 2017 से, उसमें 2023 तक जो आज दिन है कौन सा 16 मई 2023 तक तीन संशोधन हो गए हैं। तो ये जो संशोधन है इसमें क्या है दोस्तों, फर्स्ट बात तो ये मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कौन कौन से नए गेम जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सभी स्पोर्ट्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें आपके पास में हमेशा उपलब्ध और सही सटीक जानकारी आपको मैं देता हूँ। इसके अलावा किसी भी भाई को जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाड़ी रह चुका है, केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाड़ी रह चुका है, अगर वो BPED या DPED करना चाहता है तो भी संपर्क कर सकता है। अबाउट में नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या आज इसमें संशोधन हुआ है। ये है स्पष्टीकरण दे रखा है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों से ऐसे खिलाड़ी अभी प्रेरित है जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिन्होंने अपने को केवल और केवल लास्ट के पॉइंट पर जाना है। ये सभी जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो इनमें है मेडल है, एशियन गेम है, पैरा एशियन गेम है, राष्ट्रमंडल खेल है, टोटल हो गए। ये तीसरा नंबर का पॉइंट है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों के किसी स्कूल फेडरेशन स्कूल नेशनल गेम में व्यक्ति या मेडल जीता हो, यानी कि स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया के द्वारा मेडल इसमें अनिवार्य है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मेडल है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये क्या दे रखा है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद या खेलों में व्यक्ति से या टीम प्रतिस्पर्धा में मेडल जीता हो, यानी मेडल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास मेडल है तो 2% कोटे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी ऑफ इंडिया, या ये तो दो हो गए, या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, क्या दे रखा है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों की, जो पहले दोस्तों किसी खेलकूद था इसमें और खेलों की जो इसमें और ऐड करके क्या नया जुड़ा है, नेशनल गेम्स, नेशनल पैरा गेम्स और नेशनल चैम्पियनशिप, यानी किसी एक खेलकूद या किसी अन्य खेलकूद, जो कौन सा खेलकूद है वो नेशनल फेडरेशन यानी स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है वो आयोजित करवा रहा है, और वो किससे संबंधित है, इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसमें या पैरा ओलंपिक जो एसोसिएशन हैं, जो आपके IOA है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित होना चाहिए, और इसका जो आयोजन कौन कराता है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, वो ही इसमें दोस्तों आएगा। देखो मेडल अगर आपने जीता है तो सभी मान्य है, आप मेडल अगर आपके पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन तक आपके पास है तो 2% कोटे के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो। अगर नहीं है, केवल राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व किया है यानी राजस्थान की तरफ से आप खेलने गई है, वो चाहे आपका 20वां स्थान या 10वां स्थान आया हो, तो उसमें उनके लिए दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित कोई भी गेम में आप वहाँ वो गेम आपके पास होना चाहिए। और जो अभी दोस्तों लिस्ट है मैं अभी बताऊँगा कौन कौन से जो गेम है या कौन कौन से सेवा नियम है, और जो आज का महत्वपूर्ण संशोधन है इसमें दोस्तों आपके लिए क्या रखा गया है। जो महत्वपूर्ण संशोधन है इसमें दोस्तों, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ जो आपके सेवा नियम 2013 है उसमें दोस्तों इनको जोड़ा गया है सेवा नियम में। राजस्थान अधीनस्थ क्षेत्र TSP के जो लिपिक और चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उनमें भी दोस्तों खेलकूद शामिल किया गया है, यानी खेल कोटा 2%, और राजस्थान विद्यालय सहायक जो अधीनस्थ सेवा नियम 2015 जो विद्यालय सहायक लगे थे उनके लिए भी 2% सीटें इसमें आरक्षण दी गई है। किसके लिए, यानी जो तीन सेवा जो विभाग है आपके, कौन से, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ, यानी जो मदरसा शिक्षा सहायक जो वैकेंसी है दोस्तों आने वाली है, कौन सी, जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक की आएगी मदरसा सहायक में, कितनी आएगी, 2500 पोस्ट आएगी, कितनी आएगी,
2500 पोस्ट आएगी। उसके लिए दोस्तों अगर आप आपके पास सर्टिफिकेट है कोई भी नेशनल खेले हुए हो और दोस्तों कंप्यूटर में आपके पास कोर्स नहीं है तो भी हम यहाँ पर कोर्स करवा देंगे ताकि आप 2% की सीटों में अलग से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोर्स करना है एसटीसी बीएड स्पेशल एसटीसी वगैरह कोई भी लाइब्रेरियन का हो पीजीडीसीए का हो कंप्यूटर का हो बीएड 10th 12th सभी कोर्स हम यहाँ पर दोस्तों मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज से करवाते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये दोस्तों क्या था, ये तीन जो सेवा नियम इसमें जोड़े गए हैं। अभी मैं दोस्तों 2019 की जो पीडीएफ आपके सामने खोलूंगा नहीं है बिल्कुल, जो अब मैं उसमें आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सेवा नियम में जो 2% जो खेल कोटा शामिल करते हैं इसमें। दोस्तों ये पीडीएफ आपके सामने है 2019 की, 2019 में जो खेल संशोधन हुआ था उसकी है दोस्तों, जो राजस्थान के विभिन्न सेवा नियमों में जो आपके संशोधन था 2019 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन कौन से थे उसमें दोस्तों, अभी छोटा सा इसमें इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, केवल आपके यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद की यानी खेल कूद और खेल अन्य खेलों यानी अन्य खेल भी यहाँ पर डाला गया है, यानी कि पूरा डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन कौन से गेम इसमें शामिल हैं। यानी अगर आपके जो अभी पहले थोड़े दिन बाद पहले आपके अशोक चांदना जी के पास में गए थे सभी लड़के, जो 12 स्पोर्ट्स फेडरेशन थे उसको शामिल करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या जो भारतीय खेल संघ है उसमें जो उसके जो खेल है टोटल उसको शामिल करने के लिए, तो दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसा अभी पिछले महीने में जो 13 अप्रैल कब 13 अप्रैल को आपके एक संशोधन हुआ था कुछ, लेकिन उसका अभी तक दोस्तों कहीं भी कार्मिक विभाग की वेबसाइट या कहीं भी उसका नोटिफिकेशन या गजट पारित नहीं हुआ है। उसके बाद में आज ये जो दोस्तों इतने दिनों बाद ये आपके सामने नोटिफिकेशन आया है उसमें जरूर हुआ है लेकिन दोस्तों अभी तक आउट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फेडरेशन या खेलकूद फेडरेशन या खेलकूद संघ है जो डायरेक्ट या ओपन गेम्स है उसमें दोस्तों उनको भी शायद शामिल करने के लिए यहाँ पर बार बार जो दोस्तों मांग उठ रही है और शायद हो भी जाएगा ये। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से सेवा नियम आप सभी देख सकते हैं, इसमें आपके राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा है, अधीनस्थ सहकारी सेवा सेकंड है, राजस्थान खान एवं भूगर्भ अधिनियम, ये टोटल दोस्तों जो इसमें कितने विभाग है टोटल आप 52 विभाग तो ये है 56 विभाग के अलावा दोस्तों आपके जो आपके 56 विभाग के अलावा जो तीन आज और जोड़ दिए इन्होंने टोटल 59 जो आपके दोस्तों विभाग है उसमें दोस्तों ये जो जितने भी वैकेंसी आएगी राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेद होम्योपैथी टोटल उनमें दोस्तों आपके 2% की जो स्पोर्ट्स की सीटें हैं वो काउंट होगी। कैसे काउंट होगी मैंने आपको बता दिया है कैसे होगी, कि या तो मेडल जीता हो इंटरनेशनल नेशनल कोई भी, ठीक है, उसके अलावा मेडल नहीं है तो आपके पास नेशनल पे मेडल है तो भी चलेगा, अगर नेशनल पे मेडल नहीं है तो यहाँ एक पॉइंट है दोस्तों कि जो आपके इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उससे संबंधित आपका फेडरेशन होना चाहिए। फेडरेशन कौन सा, जैसे कि भारतीय टेबल टेनिस संघ हुआ या कोई आपके भारतीय कबड्डी संघ हुआ, ये जो दोस्तों जैसे भारतीय टेबल टेनिस या कबड्डी संघ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित उसका जो दोस्तों मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यह थी आज की खबर दोस्तों, और दोस्तों किसी भी भाई को खेल कूद से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, या कोई भी नए दोस्तों अमेंडमेंट यानी संशोधन होते हैं तो आप मुझे जल्दी से यहाँ पर डाल दें ताकि अन्य आपके जो भाई है वो परेशान ना हो। 2% सीटें बहुत होती है दोस्तों, अभी जैसे कि किसी के पास ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अगर मेडल है, और अभी जैसे कि आपके नर्सिंग जो एनओ की जो वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर की उसमें दोस्तों आपके 173 या इतनी पोस्ट हैं जो कि इसके 2% सीटें से लगेगी, लेकिन किसी लड़कों के पास में खेल का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली भी ये बातें थी। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।